बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस टू माय सेल्फ, माय नेम इज हुसैन रजा एंड आई एम अ लेक्चरर ऑफ द कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। एंड क्लास टुडे वी आर गोइंग टू बी डिस्कस बिजनेस स्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 3, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। क्लास आज हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 का सेकंड क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। नाज़िम हुसैन की किताब है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। क्लास जैसे कि मैंने आपको चीज बताई थी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कौन सा है, आप यहाँ टेबुलेशन की फॉर्म में हो सकता है, यहाँ पर उसको ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी जो मैंने लास्ट 3.1 में डिस्कस किया उसमें टेबुलेशन फॉर्म में किया था। फिर 3.2 का हम एक क्वेश्चन कर चुके थे जिसमें हमने डेटा को रिप्रेजेंट किया इन फॉर्म ऑफ द सिंपल बार चार्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, देखते हैं कौन सा चार्ट हमें ड्रा करना है। क्लास हमारे पास क्वेश्चन है मल्टीपल बार चार्ट का, जिसमें उसने बताया है कि किस तरह से आपने जो है वो चार्ट जो चार्ट मल्टीपल बार चार्ट में तरीके से डिटेल दी हुई है। क्वेश्चन नंबर इसका 3 है। क्लास देखिएगा क्या कह रहा है द प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें मल्टीपल बार चार्ट को ड्रा करना है। द प्रोडक्शन ऑफ वीट इन डिफरेंट लोकेलिटीज ऑफ पंजाब फॉर द ईयर 2005 to 2007 आर गिवन एस जी। लोकेलिटी नंबर 1, लोकेलिटी नंबर 2 एंड लोकेलिटी 3। 2005, 2006, 2007 का डेटा आपके पास मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ शॉर्ट फॉर्म में ताकि वहाँ पे हम डेटा को जो है रिप्रेजेंट कर सकें, यहाँ पे हमारे पास डिटेल में ईयर है। ईयर्स में लिखिएगा कि आपके पास लोकेलिटी 1, लोकेलिटी 2 एंड लोकेलिटी 3। क्लास मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अगर हम बात करें 2005 में हमारे पास जो डाटा है लोकेलिटी 1 का वो 500, लोकेलिटी 2 का 600 और लोकेलिटी 3 का 200 है। इस तरह 2005 के बाद अगर हम बात करते हैं 2006 में तो हमारे पास 600, इसके अलावा 700 एंड इसके अलावा हमारे पास है क्लास 400। फिर 2007 में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो लोकेलिटी डाटा है 800, फिर 700 और फिर 500। ठीक हो गया। अभी आपके पास देखिए हमारे पास किस तरह से मामला है, ये चीज हमने की। अब आपने कहा है ड्रॉ एन अप्रोप्रिएट डायग्राम फॉर दिस डेटा, मल्टीपल बार चार्ट में आप इसको शो करना है। अच्छा क्लास यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास जो डेटा मौजूद है वो थाउजेंड्स में है। ये प्रोडक्शन इन के जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रोडक्शन इन के जी थाउजेंड्स में, यानी कि प्रोडक्शन एक के जी यानी कि थाउजेंड में आपके पास जो है वो ये डाटा जो दिया हुआ है। तो क्लास आपने किस तरह से ग्राफ ड्रा करना है, हम ग्राफ ड्रा करते हैं। अब लेट्स सपोज मैं आपको इस पे बता दूं कि हम 100 इज इक्वल टू 100,000 की इक्वल रख देते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि 1 जो यूनिट है वो इज इक्वल टू है 100,000 की इक्वल, डन हो गया। अच्छा क्लास आपने किस तरह से ड्रा करना है आपको मैं ये चीज बता दूं कि हमारे पास इसी तरह से एक्स एक्सिस ठीक हो गया, और हमारे पास देखिएगा कि हमारे पास जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है रेगुलेटरी हमने वो हम 100 से स्टार्ट करेंगे और हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास 800 तक आ गया, तो 100 से 800। तो क्या 100 फिर 200 300 400 500 600 700 एंड देन 800 क्लास हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अब आपने क्या करना है, आप देखिएगा कि हमारे पास 2005 में आपने किस तरह से शो करना है। अब लोकेलिटी 2005 में हम देखें, फिर 2006 की लोकेलिटी का अगर बात करें, लोकेलिटी 2 और लोकेलिटी 3 2006 और 2007 की तरह हम क्लास बात करेंगे। अच्छा क्लास आपने देखना है लोकेलिटी 1, लोकेलिटी 1 में अगर देखें तो हमारे पास क्या है, लोकेलिटी 1 में 2005 में हमारे पास शो किया गया था पहला 500 फिर 600 और फिर 200 यानी कि 2005 का डाटा है। 2005 के डाटा को हम
1 लोकेलिटी नंबर 2 और लोकेलिटी नंबर 3 कितनी कितनी है। अगर हम देखें कि पहले है 500, पहले का 500 आया, आपने इस तरह से ड्रा कर लिया 500। अच्छा फिर इसके बाद लोकेलिटी नंबर 2 हमारे पास जो है वो 600 है, तो क्लास देखते हैं 600, तो हमारे पास 600 लीटर इसी तरह से लिखेगा, ये 600 है तो आप इस तरह शो करेंगे। और फिर क्लास आपके पास लोकेलिटी नंबर 3 हमारे पास है 200, तो बिल्कुल आपने इस तरह से जो है वो शो किया। अब क्लास आपने क्या करना है जो है लोकेलिटी 1 लोकेलिटी 2 और लोकेलिटी 3 यहां पे आपके सामने देखना है जरा, लोकेलिटी 1 लोकेलिटी 2 एंड लोकेलिटी 3। अब क्लास आप इनको कोई ना कोई जो है वो दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब लेट्स सपोज कि मैं कहता हूं कि हमारे पास लाइक ये हमने 3 डिब्बे बनाए हैं, ठीक है। अब जो पहली लोकेलिटी है उसको क्रॉस कर दिया, फिर इसको इस तरह से दे दिया, इसको इस तरह से, यानी कि इनकी हमने आइडेंटिफिकेशन रखी। तो अभी देखिएगा अगर पहली लोकेलिटी की बात करूं तो मैंने भाई पहली लोकेलिटी को ये वाला जो आइडेंटिफिकेशन दे दी, दूसरी लोकेलिटी को मैंने ये वाली जो है वो आइडेंटिफिकेशन दे दी, तीसरी लोकेलिटी को मैंने ये वाली जो है वो आइडेंटिफिकेशन दे दी। तो ये शो कर रहा है लोकेलिटी 1 को, लोकेलिटी 2 को एंड लोकेलिटी 3 को। यहां पे चेक कीजिएगा ऊपर मैंने यहां पे ग्राफ में शो किया हुआ है कि लोकेलिटी 1 को एंड को क्या कहते हैं शो कर रही है। अब 2006 की अगर बात करें तो लोकेलिटी 1 600 है, तो लोकेलिटी 1 अगर हम देखें 600 है, 600 की यहां पे आप स्टार्ट करेंगे और 600 को आप देखिएगा इस तरह से 600 तक हम चलेंगे। फिर उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे है 700, तो अभी क्लास आप इधर से ही आप 700 पे आएंगे और आपने इस तरह से जो है वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो कर दी। अच्छा इसको हम आगे की तरफ ले जाते हैं ताकि हमारे पास जो है वो 7 भी रिप्रेजेंट हो जाए, ठीक है। अब क्लास 6 में हमारे पास जो है लास्ट 400 है, तो क्लास 400 तक चलेंगे, तो 400 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। अब इसी तरह से आपने इसकी जो लोकेलिटी मान को किस तरह शो करना था, आप इस तरह से हमने इसको क्लास किस तरह आइडेंटिफिकेशन किया था, इसको हम अपनी तरह से कोई भी आइडेंटिफिकेशन इसकी क्लास दे सकते हैं। लोकेलिटी 3 को हमने इस तरह से जो है वो शो किया हुआ था, ठीक है। अगर हम 2007 की बात करते हैं तो सेम आपके जो एक्स एक्सिस पे सेम आपको दिखेगा लोकेलिटी 1 है 800, 2007 में तो आप यहां पे लिखेंगे 2007 लोकेलिटी 1 को उसी तरह से शो करना है साथ में, तो आपके पास कितना आ रहा है 2007 पहला है 7, तो आपके पास 700 ही आ रहा है, तो आपने इस तरह से इसको शो कर लेना है, ठीक है। आप इसी तरह से अगर देखें तो लोकेलिटी 2 हमारे पास अच्छा जी 800 है जी, 800 तक जा रहा है, तो आप इसको 800 तक जो है वो शो करेंगे। फिर दूसरा 700 तक आ रहा है और फिर क्लास आपके पास 500 तक आ रहा है, तो 500 हमारे पास यहाँ पे फॉल कर रहा है, तो आप इसको 500 तक शो करेंगे। इसी तरह से आप इसकी आइडेंटिफिकेशन भी क्लास कर सकते हैं इसी तरह से कि जो भी आपने इसको जो है वो साइन करना। तो इसी तरह से हमारे पास जो अभी ये चार्ट था वो हमारे पास मल्टीपल बार चार्ट जो है वो हमने ड्रा किया है। आप क्लास के इंडेक्स में शो कर सकते हैं कि आपके पास इनको कौन कौन सा आप साइन दे रहे हैं, कौन कौन सी आप इनको शनाखत दे रहे हैं, कौन कौन सी आप इनको आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं, जिससे आप जो लोकेलिटी जो 1, 2, 3 2005 में ये था, फिर लोकेलिटी यहाँ से नजर लगा रहा है कि अगर इसके दिनों में क्रास हो जाए आप कलर भी कर सकते हैं, इनके कलर भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी इनको आइडेंटिफिकेशन जो है वो क्लास दे सकते हैं ताकि आपको आसानी से जो पता चल जाए कि लोकेलिटी 1, लोकेलिटी 2, लोकेलिटी 3, 2005 के लिए क्या क्या जो है आएगी। अच्छा क्लास आई क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम देखें तो वो क्या कह रहा है, draw a multiple bar chart to show the population of the cities given in the following table, और जिसमें क्लास सिंपल है, आपको सिटीज का डाटा दिया गया है 2010-11-12 में, आपने इसको शो अप करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है क्लास, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज द सेम थिंग, आपका बिल्कुल इसी तरह से है। तो क्लास हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही क्वेश्चन नंबर आपका, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 3 था, तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपके रेलेवेंट है, आपके मल्टीपल बार चार्ट से रेलेवेंट है, ठीक हो गया। तो मल्टीपल बार चार्ट ही आपने इस जो है वो बनाना ही, दोनों सेम है बिल्कुल, इसी तरह से आपका जो चार्ट ड्रा होगा। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी, मल्टीपल बार चार्ट बहुत आसान था। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम इनके फर्दर जो है चार्ट को डिस्कस करेंगे। 3.2 हम कर रहे थे नाज़िम हुसैन की किताब की, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।